तो पीएम मोदी संबोधी रहे थे, सीधा चाहिए नई व्यवस्था का आज लोकार्पण किया गया है। इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर आज से ही लागू हो गए हैं, जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से पूरे देश भर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। अब टैक्स सिस्टम भले ही फेसलेस हो रहा है, लेकिन टैक्स पेयर को ये फेयरनेस और फियरलेसनेस का विश्वास देने वाला है। ये सभी टैक्स पेयर्स को इस महत्वपूर्ण तोहफे के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनकम टैक्स विभाग के सभी अधिकारियों को, हर छोटे मोटे कर्मचारी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, बीते 6 वर्ष में हमारा फोकस रहा है बैंकिंग द अनबैंक, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड और फंडिंग द अनफंडेड। आज एक तरह से एक नई यात्रा शुरू हो रही है, ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ईमानदार का सम्मान। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। साथियों, आज से शुरू हो रही नई व्यवस्थाएं, नई सुविधाएं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है। ये देशवासियों के जीवन से सरकार को, सरकार के दखल को कम करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। साथियों, आज हर नियम कानून को, हर पॉलिसी को प्रोसेस और पावर सेंट्रिक अप्रोच से बाहर निकालकर उसको पीपल सेंट्रिक और पब्लिक फ्रेंडली बनाने पर बल दिया जा रहा है। ये नए भारत के नए गवर्नेंस मॉडल का प्रयोग है और इसके सुखद परिणाम भी देश को मिल रहे हैं। आज हर किसी को ये एहसास हुआ है कि शॉर्टकट्स ठीक नहीं है, और हमारे यहां तो रेलवे स्टेशन पे लिखा जाता है, शॉर्टकट विल यू कट यू शॉर्ट। गलत तौर तरीके अपनाना सही नहीं है, वो दौर अब पीछे चला गया है। अब देश में माहौल इस ओर आगे बढ़ रहा है कि कर्तव्य भाव को सर्वोपरि रखते हुए सारे काम होने चाहिए। सवाल यह है
कि ये बदलाव आखिर कैसे आ रहा है? क्या ये सिर्फ सख्ती से आया है? क्या ये सिर्फ सजा देने से आया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके अगर मोटे मोटे तौर पर मैं कहूं तो चार बड़े कारण है। पहला, पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस। जब पॉलिसी स्पष्ट होती है तो ग्रे एरियाज मिनिमम हो जाते हैं और इस कारण व्यापार में, बिजनेस में और सरकार के और निर्णयों में भी डिस्क्रिशन की गुंजाइश कम हो जाती है। दूसरा, सामान्य जन की ईमानदारी पर विश्वास। तीसरा, सरकारी सिस्टम में ह्यूमन इंटरफेस को सीमित करके टेक्नोलॉजी का बड़े स्तर पर उपयोग। आज सरकारी खरीद हो, सरकारी टेंडर हो या सरकारी सेवाओं की डिलीवरी, सब जगह टेक इंटरफेस सर्विस दे रहे हैं। और चौथा, हमारी जो सरकारी मशीनरी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें एफिशिएंसी, इंटीग्रिटी और सेंसिटिविटी के गुणों को रिवॉर्ड किया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है। साथियों, एक दौर था जब हमारे यहां रिफॉर्म्स की बहुत बातें होती थी, कभी मजबूरी में कुछ फैसले लिए जाते थे, कभी दबाव में कुछ फैसले हो जाते थे, तो उन्हें रिफॉर्म कह दिया जाता था। इस कारण इच्छित परिणाम नहीं मिलते थे। अब ये सोच और अप्रोच दोनों बदल गई है। हमारे लिए रिफॉर्म का मतलब है रिफॉर्म नीति आधारित हो, टुकड़ों में नहीं हो, होलिस्टिक हो और एक रिफॉर्म दूसरे रिफॉर्म का आधार बने, नए रिफॉर्म का मार्ग बनाए। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार रिफॉर्म करके रुक गए, ये निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। बीते कुछ वर्षों में देश में 1,500 से ज्यादा कानूनों को समाप्त किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत आज से कुछ साल पहले 134वें नंबर पर था, आज भारत की रैंकिंग 63 है। रैंकिंग में इतने बड़े बदलाव के पीछे अनेकों रिफॉर्म्स हैं, अनेकों नियमों कानूनों में बड़े परिवर्तन है। रिफॉर्म्स के प्रति भारत की इसी प्रतिबद्धता को देखकर विदेशी निवेशकों का विश्वास भी भारत पर लगातार बढ़ रहा है। कोरोना के इस संकट के समय भी भारत में रिकॉर्ड एफडीआई का आना इसी का उदाहरण है। साथियों, भारत के टैक्स सिस्टम में फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत इसलिए थी क्योंकि हमारा आज का यह सिस्टम गुलामी के कालखंड में बना और फिर धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। आजादी के बाद इसमें यहां वहां थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए, लेकिन लार्जली सिस्टम का करैक्टर, उसकी चाल चलन वही रहा। परिणाम यह हुआ कि जो टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण का एक मजबूत पिलर है, जो देश को गरीबी से बाहर निकालने के लिए योगदान दे रहा है, उसको
कटघरे में खड़ा किया जाने लगा। इनकम टैक्स का नोटिस फरमान की तरह बन गया। देश के साथ छल करने वाले कुछ मुट्ठी भर लोगों की पहचान के लिए बहुत से लोगों को अनावश्यक परेशानी से गुजरना पड़ा। कहां तो टैक्स देने वालों की संख्या में गर्व के साथ विस्तार होना चाहिए था और कहां गठजोड़ की सांठगांठ की व्यवस्था बन गई। इस विसंगति के बीच ब्लैक और व्हाइट का उद्योग भी फलता फूलता गया। इस व्यवस्था ने ईमानदारी से व्यापार कारोबार करने वालों को, रोजगार देने वालों को और देश की युवा शक्ति की आकांक्षाओं को प्रोत्साहित करने के बजाय कुचलने का काम किया। साथियों, जहां कॉम्प्लेक्सिटी होती है वहां कंप्लायंस भी मुश्किल होता है। कम से कम कानून हो, जो कानून हो वो बहुत स्पष्ट हो तो टैक्स पेयर भी खुश रहता है और देश खुशहाल होता है। बीते कुछ समय से यही काम करने की दिशा में एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। अब जैसे दर्जनों टैक्सेस की जगह जीएसटी आ गया, रिटर्न से लेकर रिफंड की व्यवस्था को पूरी तरह से ऑनलाइन किया गया, जो नया स्लैब सिस्टम आया है उसमें बेवजह के कागजों और दस्तावेजों को जुटाने की मजबूरी से मुक्ति मिल गई है। यही नहीं, पहले 10 लाख रुपए से ऊपर के विवादों को लेकर सरकार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती थी।